एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द रॉकिंग आर्ट्स। तो गाइस कैसे हो आप सब, आई होप सब ठीक होंगे। तो गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले जितने भी हमारे इस चैनल पर न्यू विजिटर हैं, जिन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो गाइस क्या कर रहे हो, फटाफट से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। और जो वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होती है और आपको अच्छी लगती है, तो प्लीज उस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। और साथ ही गाइस नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी जरूर क्लिक कर देना। तो गाइज आज मैं आपके साथ एक और ऑनेस्ट रिव्यू शेयर करने वाली हूँ, वो है मैमी पोको पैंट्स का मदर फर्स्ट चॉइस पैंट्स। तो आज मैं उसका रिव्यू, फुल रिव्यू आपके साथ ऑनेस्ट शेयर करूंगी। तो ये अगेन मैंने मंगवाया है माय फेवरेट ऐप अमेजोन से। ये अमेजोन से आया है, तो आपको पता है कि मेरे पास जैसे अमेजोन की प्राइम मेंबरशिप है, तो ये वैसे भी अच्छे ऑफर में था, 669 रुपीज में था। आप भी इसको बाय कर सकते हो उससे, लेकिन मेरे पास प्राइम मेंबरशिप थी, मुझे डिलीवरी चार्जेस नहीं पड़े इसके, और मुझे एक कूपन भी था मेरे पास, मैंने वो भी अप्लाई किया, 5% मुझे प्लस डिस्काउंट और मिला, तो ये मुझे 635 रुपीज का ये मिला है। तो चलो हम इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। मैमी पोको पैंट्स का पैक है, एक्स्ट्रा ऑब्जर्व है और ये न्यू इम्प्रूव्ड है। तो गाइज आप देख सकते हो कि ये जो पैंट्स है इसमें 87 पैंट्स है, ये न्यूबॉर्न के लिए है अप टू 5 kg। इसमें मैं आपको बता दूं कि सारे साइज आते हैं, जैसे न्यूबॉर्न का आता है इसमें एल भी आता है, एस आता है, एम भी आता है, फिर लार्ज भी आता है। तो ये पैंट्स जो है वो एक्स्ट्रा एब्जॉर्ब होते हैं और ये मदर की फर्स्ट चॉइस होती है, और ये 12 आवर्स से ज्यादा ऑप्शन रखते हैं। और साथ में इसकी जो इलास्टिक होती है वो भी इतनी अच्छी होती है कि मैं आपको इसको ओपन करके टेस्ट भी दूंगी, प्रैक्टिकली मैं इसको आपको स्ट्रेच करके दिखाऊंगी कि इसकी जो इलास्टिक है वो बहुत ही कंफर्टेबल है बेबी के लिए। इससे क्या होता है, मार्क्स नहीं पड़ते हैं। और साथ ही इसकी जो अब्सॉर्प्शन वाली शीट होती है वो क्रिस क्रॉस शीट होती है, जिससे क्या होता है बेबी जैसे पी करता है या फिर यूरिन जो बेबी का होता है वो स्प्रेड हो जाता है उसमें और अच्छे से अब्सॉर्ब हो जाता है, जिससे हमारे बेबी को कोई भी इन्फेक्ट नहीं होता, कोई भी बैक्टीरिया या फिर इन्फेक्शन नहीं होता, और ना ही हमारा बेबी गिल्ली नैपी में पड़ा रहता है और ना ही वो बीमार होता है जल्दी। तो मैं कुछ इसके आपको फायदे बता दूं, जैसे इस पे लिखा हुआ है फास्टेस्ट रिपीटेड अब्सॉर्प्शन, जैसे कि बेबी बार बार पी करता है या फिर चुसू करता है तो उससे क्या होता है, बार बार करता है तो ये हर बार इसको अब्सॉर्ब करता है। तो इसमें क्या है, प्रिवेंट्स हैवीनेस, इसकी मतलब की जो हैवीनेस है वो भी बहुत लाइट वेट होते हैं और ज्यादा हैवी भी नहीं होते हैं। फिर प्रिवेंट्स थाई, जैसे कि जो थाई में गैप होता है ना, जैसे रेडनेस हो जाती है बेबी के साइड्स में या फिर जो गैप होता है, ये गैप भी बिल्कुल ठीक रखता है कि बेबी का जो लीकेज ना हो जाए, तो ये लीकेज प्रूफ होता है तो इसमें लीकेज के कोई चांसेस नहीं है। साथ में जो बेबी है उसको भी अच्छा लगता है क्योंकि बिल्कुल अब्सॉर्ब कर लेता है सुसु को, और साथ में ये थोड़ा गद्देदार भी होता है, थोड़ा मोटा भी होता है, तो होता लाइट वेट है लेकिन गद्देदार होता है, जिससे कि बेबी को कोई भी ईचिंग या कुछ भी नहीं होता है। तो ये इंडिया फर्स्ट पैंट्स है और मदर की ये फर्स्ट चॉइस है, ये सबसे बेस्ट है। अगर आप किसी भी डॉक्टर से आप लेते हो, सलाह लेते हो या फिर किसी मेडिकल वाले से, वो भी आपको फर्स्ट चॉइस ये बताएगा कि हम मैमी पोको पैंट्स ही लें, बिकॉज ये एक्स्ट्रा ऑब्जॉर्ब करता है। तो इसमें और भी कुछ लिखा हुआ है तो मैं बता दूं आपको, इसमें जो डायपर की लेंथ है ये हमारा एनबी है, एनबी मीन्स होता है न्यूबॉर्न, तो जैसे न्यूबॉर्न बेबी हम न्यूबॉर्न के लिए एनबी लेंगे, ये अप टू 5 kg का बेबी भी वेयर कर सकता है। तो ये क्या होता है, डायपर की जो लेंथ है वो 150 mm की है और जो डायपर की विड्थ है वो 140 mm की है। तो गाइज ये जो जापान टेक्नोलॉजी का है, लेकिन ये बना इंडिया में ही है इंडिया का प्रोडक्ट, लेकिन ये जापान टेक्नोलॉजी का बना है। इसकी जो इलास्टिक वगैरह और जो इसकी क्रिस क्रॉस शीट है, ये सारी जापान टेक्नोलॉजी से बनी है। और मैं आपको इसकी एमआरपी भी दिखा दूं, जैसे कि मैंने आपको बताया है
कि हमें ये पैंट्स, ये इसकी एमआरपी है 999 रुपीज की, ये बिगेस्ट वाला पैक है, लार्जेस्ट पैक है, तो इसमें 87 पैंट्स आते हैं। ये 999 रुपीज की इसकी है एमआरपी, तो ये मुझे सिर्फ 635 रुपीज में मिला है। जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं आपकी आपको इनवॉइस भी शेयर कर दूंगी, ऐसा कोई बात नहीं है। और इस प्रोडक्ट का जो मैं, अगर आप बाय करना चाहते हो तो मैं इसका आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर देती हूँ कि मैंने कहाँ से, कौन सी साइट से और कैसे मैंने इसको जो है ऑर्डर किया है। तो गाइज, इसका मैं और आपको बेनिफिट बता दूं, इसमें इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग डेट है वो है 22 दिसंबर 2021 की, और इसमें लिखा है कि बेस्ट यूज्ड बिफोर 3 इयर्स फ्रॉम द पैकेजिंग। तो मींस कि ये हम जब भी इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट है वो जब भी ये बने हैं उसके बाद हम 3 इयर्स तक इनको यूज कर सकते हैं। इसमें क्या एक्स्ट्रा एब्जॉर्ब है, और जो ये बिडल स्प्रेड क्रिस क्रॉस जो है इसकी वो शीट है, ये शीट के बारे में बताया गया, प्लस 50% ये जो है विदेस्ट स्प्रेड क्रिस क्रॉस शीट। ये क्रिस क्रॉस शीट मतलब कि जो हमारा बेबी है जो सुसु करेगा वो सारा स्प्रेड हो जाएगा और अच्छे से उसमें अब्सॉर्ब हो जाएगा, एक जगह पे इकट्ठा नहीं रहेगा। तो गाइज, अब मैं इसका थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकली बताती हूँ। यहाँ पे इसके वो भी बताए गए हैं, जैसे इसमें जो पैंट्स का जो साइज है, कौन कौन सा इसमें साइज आता है। इसमें दे दिया गया है न्यू एनबी मिनी, टेप्ड वाला होता है, वो टेप वाला हमने भी अपने बेबी के लिए यूज किया था। फर्स्ट हमने बेबी के लिए टेप वाले यूज किए थे, बिकॉज जैसे बेबी की नाभि होती है ना, वो जैसे अभी क्लिप लगा होता है तो उसके डर से कई लोग जैसे इलास्टिक वाले डायपर नहीं वेयर करवाते हैं, तो उसका भी सोल्यूशन मम्मी पापा पैंट ने निकाल लिया है कि उन्होंने एनबी मिनी जो होते हैं टेप वाले वो भी ले लिए। उससे क्या होता है, पहले हम उसकी दो साइड पे टेप होती है, बेबी के नीचे वो रखते हैं, दूसरे वाले जो पासा होता है उसको ऊपर करके और फिर टेप लगा देते हैं। उससे क्या होता है, बेबी उसमें भी कंफर्टेबल रहता है, ऐसा कोई इश्यू नहीं है। फिर उसके बाद उससे अगला साइज आता है एमबी, जो मैंने बाय किया है up to 5 kg के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद स्मॉल, एम, एल, एक्सएल, डबल एक्सएल, ट्रिपल एक्सएल। इसमें क्या होता है, केजीज के हिसाब से होता है। जो एमबी का साइज है वो up to 5 kg का बेबी वेयर कर सकता है, जो स्मॉल का है वो 4 to 8 kg का बेबी वेयर कर सकता है, जो मीडियम साइज है एम साइज वो 7 to 12 kg का बेबी वेयर कर सकता है, और जो लार्ज साइज है उसमें 9 to 14 kg का बेबी वेयर कर सकता है, एक्सएल में 12 to 17 kg, एंड डबल एक्सएल में 15 to 25 kg, एंड ट्रिपल एक्सएल में 18 to 35 kg। तो जैसे भी, जिस बच्चे की जैसी भी रिक्वायरमेंट है वो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डायपर परचेज कर सकते हो। तो मैं आपको अपनी फर्स्ट चॉइस यही बताऊंगी कि अगर आपको आपके बेबी के लिए डायपर परचेज करना है तो आप मैमी पोको पैंट ही कीजिए, बहुत अच्छा है, लॉन्ग लास्टिंग है, ना कोई इसमें बेबी को वेटनेस फील होगा, बिल्कुल ड्राई रहता है, बहुत अच्छी अब्सॉर्प्शन है इसकी, क्रिस क्रॉस शीट है, तो ये ना ही ये लीकेज की इसकी कोई प्रॉब्लम है। तो मैं आपको इसका प्रैक्टिकली थोड़ा सा करके दिखाती हूँ, इसको हम ओपन कर लेते हैं। गाइज, मम्मी पोको पैंट्स का डायपर। तो इसमें एक बात है कि जो बैक है उस पर बैक मेंशन किया होता है कि बैक साइड में आपको कौन सा वेयर करना, कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इस पे लिखा होता है कि बैक पे ये आपको वेयर करवाना है बैक साइड पे, और इस पे मम्मी पोको पैंट का उनका लोगो भी है, और इस पे जो है बिल्कुल छोटा सा मिनी सा पोको का कार्टून भी बना हुआ है। तो मैंने एक चीज इस पे फ्रंट भी लिखा हुआ है कि आपको फ्रंट पे ये वेयर करवाना है और ये बैक पे ये वाला। और गाइज, मैं आपको दिखा दूं, ये जो है ये क्रिस क्रॉस शीट है, इसमें बहुत अच्छी अब्सॉर्प्शन होती है, और प्लस इसमें जो यहाँ थाइस पे जो लेयर आती है डायपर की, ये डबल लेयर्ड है। ये यहाँ पे तो इलास्टिक है, उसके अंदर से भी इलास्टिक है, इट मीन्स लीकेज की बिल्कुल भी कोई भी इसका चांस नहीं है कि ये कहीं से लीकेज करेगा। डबल डबल इसकी लेयर है, आप देख सकते हो, और प्लस सबसे मेन बात जो इसकी इलास्टिक है, इससे हमारे बेबी को कोई भी मार्क्स नहीं पड़ेंगे।
सी बिल्कुल ही बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है और ये बिल्कुल लाइट वेट है, आप देख सकते हो। और मैंने भी कुछ कंफर्म करना था, जो इसके कार्टून है वो अलग अलग बने होते हैं? यस, इसपे जो कार्टून है वो भी अलग अलग प्रिंट के होते हैं, होते पोको के ही हैं। जैसे आपको ये दिख रहा होगा, इसमें एक मम्मा बने हुए हैं और एक बेबी है। इनका ना एक लोगो होता था ये पोको का, ये जो पोको है, ये पोको हम इसको कहते हैं। तो ये पोको के जो कार्टून हैं वो हमें सारे डायपर पे अलग अलग तरीके से दिखेंगे। तो मैं आपको अपनी फर्स्ट चॉइस यही बताऊंगी, आप भी अपने बेबी के लिए यही परचेज कीजिए, बहुत ही अच्छा है और बहुत ही बच्चे के लिए कंफर्टेबल भी है। तो मे बी आपको ये मेरा ऑनेस्ट रिव्यू अच्छा लगा होगा। तो गाइज, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, कमेंट करना और शेयर भी करना अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। और साथ ही गाइज, आप मेरे अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, मैं आपके लिए न्यू वीडियो और ब्लॉग ऐसे ही लेकर आती रहूंगी। तो हम मेरे साथ बने रहें, तो हम मिलते हैं न्यू वीडियो और न्यू ब्लॉग के साथ। तो बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे। बाय।